नमस्ते दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे 5 मिनट में बन जाने वाला खजूर चॉकलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक प्यान गरम करके उसमें थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम ले लेंगे और इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, अब इनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। खजूर चॉकलेट बनाने के लिए जो सॉफ्ट वाले खजूर आते हैं हमको वही खजूर लेना है, इसमें ज़्यादा गुड़ या चीनी नहीं होता है। अब इसमें चीरा लगाकर हम इसके बीज को निकाल लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम सारे खजूर के बीज निकाल लेंगे। अब खजूर के अंदर एक एक ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से भर देंगे और खजूर को बंद कर देंगे। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से संसार बांधा है। अब एक बॉल में मैंने ग्रेट किया हुआ चॉकलेट ले लिया है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। अब इसको डबल बॉयलर मेथड में हम मेल्ट करेंगे। इसके लिए भगोने में मैंने पानी को गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हमारा चॉकलेट वाला बॉल रख देंगे और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे। यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब एक एक खजूर को चॉकलेट के अंदर डीप करते जाएंगे और एक बटर पेपर के ऊपर रखते जाएंगे। इस हेल्दी चॉकलेट रेसिपी को बनाना बेहद ही आसान है और ये 5 मिनट में बन भी जाएगा। आप चाहे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स या चोको चिप्स से इसको सजा सकते हैं। अब प्लेट को फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने प्लेट को बाहर निकाल लिया है। तो ये लीजिए, हमारा हेल्दी खजूर चॉकलेट रेडी है। छोटों से लेकर बड़ों को सभी को ये पसंद आएगा। तो इस रक्षाबंधन इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।